जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम कुछ ऐसे उपाय लेके आए हैं जिसको आप रेगुलर यूज़ करें, रोज़ करें, और यदि रोज़ नहीं कर पा रहे तो कभी कभी इनको ज़रूर करें। और इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा हमेशा के लिए बनी रहेगी, कभी देवी लक्ष्मी रुष्ट नहीं होंगी और धन धान्य से घर पूरा भरा पड़ा रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहें इसके लिए जो नीचे लाल बटन दिया उसको क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और ये वीडियो दोस्तों के संग शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, माता रानी की हम पर कृपा बनी रहे इसके लिए जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हर कोई किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान है। हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए सभी समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ता रहता है। इसमें से किसी को सफलता मिल जाती है, किसी को नुकसान हो जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके करने से जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं, घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, साथ ही परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी सही रहता है। तो ज्योतिष के इन उपायों को करने से जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो पहला उपाय है जिससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों। जैसा आप जानते होंगे, सनातन धर्म में तुलसी का पौधा बहुत पूजनीय माना जाता है। इसे देव लक्ष्मी के समान सुखदायी और कल्याणकारी कहा गया है। तुलसी इतनी पवित्र है कि भगवान विष्णु ने इन्हें अपने सिर पर स्थान देते हैं, इसलिए हर रोज तुलसी की जड़ में पानी देने से लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं जिससे धन की कभी कमी नहीं होगी। जैसे तुलसी को श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही व्रत विधान में पीपल का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, पीपल को बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है और बृहस्पति को धन कारक ग्रह है। इसलिए जो व्यक्ति हर रोज पीपल की जड़ में पानी देता है उसे कभी धन की हानि नहीं होती है, साथ ही व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। और यदि आप अपना सौभाग्य बनाना चाहते हैं और हमेशा सौभाग्य बना रहे, इसके लिए सूर्य की पूजा बताई गई है। और आप जैसे जानते होंगे, सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य देव को जो व्यक्ति हर रोज जल का आर्ध्य देता है उसके दिन शुरुआत हमेशा अच्छे से होती है। इससे व्यक्ति की आत्मा और मन को ऊर्जा मिलती है। यदि यह प्रक्रिया नियमित रूप से किए जाए तो ऐसा माना जाता है मनुष्य का सौभाग्य बना रहता है। अगला उपाय है माँ लक्ष्मी के लिए, जिससे आपका माँ लक्ष्मी जी का रास्ता हमेशा के लिए खुलता है। इसके लिए आपको करना है रोज़ सुबह जल्दी उठकर तुलसी और सूर्यदेव को जल देने के बाद मुख्य द्वार पर भी पानी डालना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से घर में लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुलता है। यह उपाय घर की मुख्य महिला द्वारा रोज़ करना चाहिए। लक्ष्मी हमेशा ऐसे ही घर में निवास करती हैं जहाँ घर को मंदिर समझा जाता है। और यदि आप अपना आर्थिक संतुलन बनाना चाहते हैं तो पक्षियों के लिए घर की छत पर हर रोज़ बर्तन में पानी और अनाज रखना चाहिए। ऐसे मान्यता है कि पक्षियों को अनाज और पानी देने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, साथ ही धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। घर में हमेशा आर्थिक संतुलन बना रहता है और कभी भी क्लेश नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थे पांच छोटे छोटे से उपाय जो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताए। और ऐसे ही कुछ और अच्छे अच्छे उपाय आपको मिलते रहें इसके लिए जो नीचे लाल बटन है उसको क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और माता रानी की हम पर कृपा बनी रहे इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी दोस्तों।